प्राचीन काल में विजयनगर राज्य में विक्रमदेव नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा एवं पराक्रमी थे। उनके दो रानियां थीं और दोनों रानियों को समान रूप से प्यार करते थे, परंतु दोनों रानियों के मन में ये भेद था कि छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं। एक बार उन दोनों रानियों ने राजा के सामने जा कर के पूछा, राजन आप ये बताइए आप दोनों रानियों में से किसको ज़्यादा प्यार करते हैं। तब राजा ने कहा कि पहले तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। तो उन्होंने कहा कि बोलिए राजन। राजा ने कहा पहले हमें ये बताओ तुम्हारी दो आँखें हैं और दोनों आँखों में किसको ज़्यादा प्यार करती हो, किसे ज़्यादा चाहती हो। तो दोनों रानियों ने कहा कि हमें तो दोनों आँखें प्रिय हैं। तो राजा ने कहा तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा। दोनों रानियाँ संतुष्ट हो गईं और संतुष्ट होकर के अपने अपने महल में चली आईं। राजा के मात्र एक संतान थी, वह भी छोटी रानी से, परंतु उनका जो पुत्र था वह बचपन से ही बड़ी रानी के पास हमेशा रहा करता था और उसी के पास ज़्यादा समय बीतता था। वह उससे बहुत लाड़ प्यार दुलार करती थी, उसका पालन पोषण करती थी। वह बालक यह नहीं समझ पाता था कि मेरी असली माँ कौन है, और उसका तो बालकपन था, वह बड़ी माँ को ही अपनी माँ समझता था। और ऐसा विचार उसके मन में बैठ गया था कि शायद सबको दो माताएं होती होंगी। उसने कभी विचार नहीं किया मैं किसका पुत्र हूँ, कौन मेरी माता है। राजा के दरबार में उसका सेनापति और एक दासी थी जो राजा का अनिष्ट चाहती थी। उन्होंने पहले सोचा था राजा निःसंतान है और इनका राज्य सेनापति बाद में हड़प लेगा, उसने ऐसा विचार बनाया था उस दासी को मिला करके। परंतु राजकुमार के होते ही उन दोनों के मन में कुचक्र आने लगे कि किस तरह से राजकुमार को मरवा दिया जाए। इधर राजकुमार जब पढ़ने के योग्य हुआ तो उसे गुरुकुल में भेज दिया गया, और गुरुकुल में जब वह पूर्ण रूप से पढ़ लिख करके एक नवयुवक के रूप में तैयार हो गया तो वापस अपने राज्य आया। रानियों ने और राजा ने उसका बहुत स्वागत किया, सत्कार किया। इधर सेनापति के मन में राजकुमार को किसी तरह मरवा देने का विचार आ रहा था। एक दिन वह आकर के राजकुमार से बोला कि राजकुमार आप क्या मेरे साथ शिकार पर चलेंगे। और शिकार तो राजाओं का सबसे बड़ा शौक है। राजकुमार तैयार हो गया। दरअसल ऐसा था कि उस राज्य के पूर्व की दिशा में एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ पर एक राक्षस रहा करता था और उसे मांस आदि खाने की आदत थी और मंत्री की उससे दोस्ती थी। मंत्री उसके लिए राज्य से बूढ़े पशुओं या जो दूध नहीं देने वाले पशु थे उन्हें महीने में भेज दिया करता था, जिससे वह राक्षस खुश होकर के भोजन करता था और मंत्री के ऊपर प्रसन्न रहा करता था। एक प्रकार से मंत्री से उसकी दोस्ती हो गई थी। और जब मंत्री वहाँ जाता जंगल में तो उस राक्षस से मिल करके आता, वह बहुत सा फल देता। मंत्री से उसकी पूरी मैत्री हो चुकी थी। अब वह राजकुमार को लेकर के उसी जंगल में गया। राक्षस को पहले से ही बता रखा था कि राजकुमार को लेकर आऊँगा और तुम उसे मार देना। राजकुमार को लेकर के मंत्री जैसे ही उस वन में गया, राक्षस ने देखते ही राजकुमार पर हमला कर दिया। इधर जैसे ही उसने हमला किया तो सेनापति अपनी सेना लेकर के भाग खड़ा हुआ। राजकुमार पीछे देखा तो सेनापति जा चुका था, कोई नहीं था, वह अकेला था। राक्षस उसे मार डालना ही चाहता था
मृत्यु मात्र दो कदम दूर थी। तभी एक रहस्यमय वाकया हुआ। वहाँ पर एक काली कलूटी लड़की प्रकट हुई और उसने अपने कुल्हाड़ी से उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर दिया, मार डाला और राजकुमार के जीवन को बचा लिया और राजकुमार के चरणों में प्रणाम करके बोली, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तब राजकुमार ने सारा वृत्तांत बता दिया। तो राजकुमार ने कहा, आपने मेरी जान बचाई है, आपकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ जीवित, वरना मैं तो मर गया होता और मेरी ज़िंदगी ही नहीं हुई होता। अब आप बताइए आप क्या चाहती हैं? तब उस लड़की ने कहा, मैं तो आपको चरणों को चाहती हूँ। राजकुमार ने कहा, मैं समझा नहीं, आप साफ साफ बताइए। तब उस लड़की ने कहा, मैं साफ साफ बता रही हूँ कि मैं आपके चरणों को चाहती हूँ, आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। राजकुमार ने कहा, वह तो मैं आपको दे ही चुका हूँ, यह जीवन ही आपका है, अगर आप न बचाती तो मेरा जीवन ही कैसे होता। राजकुमार ने उसके साथ वहीं पर वचनबद्ध होकर के शादी की और उसे साथ लेकर के राज्य में वापस आ गए। इसके पहले मंत्री जाकर के राजा को बता दिया था कि दुर्भाग्यवश राक्षस ने राजकुमार को मार डाला है। राजा बड़े दुखी थे, रानियां बहुत तड़प रही थी, विलाप कर रही थी। तभी किसी गुप्तचर ने सूचना दी कि नहीं, राजकुमार सकुशल एक लड़की के साथ वापस राज्य में आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमार उस लड़की के साथ, जो कि बहुत ही काली कलूटी थी, बदसूरत थी, उसे लेकर के राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा और रानियों ने जब राजकुमार को देखा तो बड़े खुश हुए और बहुत खुश होकर के राजकुमार से पूरी दास्तान पूछे। राजकुमार ने बताया कि इस देवी की कृपा से मेरी जान बच गई, वरना राक्षस तो मुझे खा ही डालता, और मेरी ज़िंदगी इसने बचाई है, और इसके उपकार के बदले मैंने इससे शादी करके उपकार का बदला चुका दिया है। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए कि बेटा कोई बात नहीं, किसी की सूरत पर नहीं जाना, और तुमने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि इसका हृदय गंगा जल की तरह पवित्र है, इसने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है, तुमने बहुत अच्छा किया इसके साथ शादी करके। मित्रों, शाम का समय हुआ तो जब राजकुमार कमरे में गया तो मन में विचार करने लगा कि मेरे भाग्य में एक क्या लिखा हुआ है कि एक काली कलूटी बदसूरत लड़की के साथ जीवन यापन करना पड़ेगा। वह इतना सोच ही रहा था कि उस लड़की ने कहा कि राजकुमार, आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। तब उसने बताया, मेरा नाम श्यामा है, और आपके मन में, लड़की ने कहा, आपके मन में यही विचार चल रहा है कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि इस काली कलूटी लड़की के साथ मुझे जीवन यापन करना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है, आप मेरे साथ जिस रूप में देखना चाहते हो अथवा जीवन बिताना चाहते हो उस रूप में मुझे पाओगे, मैं अपना रूप बदल सकती हूँ। तब राजकुमार ने कहा, क्या तुम भूतनी हो? पर उसने कहा, नहीं, मैं भूतनी नहीं, आपकी तरह ही एक इंसान हूँ, परंतु मुझे जंगल की देवी का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं अपना रूप बदल सकती हूँ जब जो चाहूँ, और 8 दिन पहले मुझे किसी भी अनिष्ट की सूचना पहले ही मिल जाती है, और मैं उस अनिष्ट से आपकी रक्षा करूँगी, राज्य की रक्षा करूँगी। तब राजकुमार बड़ा आश्वस्त हुआ और उसके साथ रात बिताई। इस तरह से समय बीतता गया। उधर सेनापति और धन्नो नाम की दासी जो थी, वो राजकुमार को तो नहीं मार पाए थे, अब राजा को मारने का विचार बनाने लगे। ये बात श्यामा के दिमाग में पहले से ही आ गई, 3 दिन पहले ही, और उसने बताया कि ये लोग बड़ी रानी को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसा प्रचार करवा दिया कि
छोटी रानी के दिमाग में ये बात भर दी गई कि बड़ी रानी प्रतिदिन सेनापति से मिलने जाती है किले में रात में। यह बात जब छोटी रानी जा करके राजा को बता दिया, राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ, उसने बड़ा बुला करके बड़ी रानी को कहा तुम गद्दार हो और तुम सेनापति से मिलने क्यों जाती हो। तब बड़ी रानी ने हाथ जोड़कर कहा राजन मुझे सेनापति से क्या काम है, मैं तो अपने महल में रहती हूँ। तभी श्यामा वहाँ पर आई और उसने बताया स्पष्ट कि ये धन्नो नाम की दासी और आपके सेनापति की करतूत है, वो पहले तो राजकुमार को मरवाना चाहते थे, अब आपके ऊपर आक्रमण करके आपको मरवाना चाहते हैं ताकि राज्य हासिल कर सकें। ये बड़े कुटिल हैं राजन, इन्हें आप किसी तरह से रहस्यमय तरीके से जेल की चार दीवारी में डलवा दीजिए, तभी आपका राज्य सुरक्षित रहेगा। श्यामा के कहने पर राजा ने सेनापति और दासी को जेल में डलवा दिया और राजकुमार को राजा और श्यामा को महारानी घोषित कर दिया और अच्छे तरह से दोनों राज्य चलाने लगे। मित्रों, आपको कहानी ये कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिख दीजिएगा।